तो कैसे बड़ी फिर से आपका स्वागत है। तो चलो चपाती पर मौसमी पर मेरा नाम है पवनी और आज हम एक बड़ी फिर से कंटिन्यू करने वाले अपनी दी शानदार सीरीज की बड़ी टॉयलेट मॉन्स्टर का पार्ट नंबर 2। और एक बड़ी फिर से कहा अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, हम एक दूसरे चैलेंज के अंदर फंसे हुए हैं। हमारे मेन चैनल के ऊपर 8.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं और ये रोटू बटन 24 घंटे रोता रहता है और इसकी सिर्फ एक ही ड्रीम है, इसको पहुंचना डायमंड तक। बड़ी फिर से कहा हमारे सामने आ चुका है की बड़ी टॉयलेट। लास्ट वाले एपिसोड के अंदर हमने 5 एपिसोड के ऊपर रिएक्शन दिया था। तो सबसे पहले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे स्किबडी टॉयलेट इस वर्ल्ड के अंदर आता है और दूसरे एपिसोड में कैसे ये स्किबडी टॉयलेट इस बेचारा लड़की के ऊपर हमला करता है और उसको काट लेता है। एंड ऑब्वियसली ब्रोस तीसरे एपिसोड में गाइस हमें मिलता है ये महान स्किबडी टॉयलेट जो कि अपनी आर्मी रेडी कर रहा है ब्रोस। और ब्रोस चौथे एपिसोड में स्किबडी टॉयलेट की आर्मी द डेंजरस आर्मी शहर के अंदर जाना शुरू कर देती है और उन उन जगह पर अटैक करना शुरू कर देती है जहां पर बहुत सारे लोग जमा होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपना रेस्टोरेंट। एंड पांचवें एपिसोड में गाइस हमको देखने को मिलता है कि स्किबडी टॉयलेट के अंदर उड़ने की भी क्षमता आ चुकी है और अंदर से छोटे मोटे टॉयलेट छोड़ के पूरी ह्यूमैनिटी खत्म करने पर तुला हुआ यार ये भाई, ये मामला कुछ ज्यादा ही हाथ से बाहर निकल रहा है यार। स्किबडी टॉयलेट का टॉयलेट उसका गोबर पूरे धरती के अंदर फैल रहा है, पूरा इंटरनेट उसने वाइप आउट कर दिया यार। मेरे को यकीन नहीं आ रहा कि ह्यूमैनिटी टॉयलेट से डर रही है। लेकिन आप लोग मेरे को बताइए कि आप लोग आखिरकार किसकी टीम में हो, बिच्छू गैंग और ह्यूमैनिटी की टीम में या स्किबडी की टीम में? ठीक है तो थोड़ी एलर्जी हो चुकी है, पानी वगैरह पीऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। और ऑल्सो ब्रोस मैंने बोल के रखा था कि लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमारे 20,000 लाइक्स आते हैं तो मैं पंजाबी स्किबडी डांस करूंगा और ये देखो 26K लाइक्स हो चुके हैं। बोले थे 20,000 और आप लोगों ने भैंस की 20,000 से भी लाइक एटलीस्ट 25% ज्यादा कर दिया था। थैंक यू सो मच ब्रोस यार। और अभी बात आती है ब्रोस हमारे पंजाबी स्किबडी डांस की, तो वो मैं हौली हौली कर दूंगा आज या कल, नहीं तो परसों तक मैं डेफिनेटली अपने मौसमी चैनल के ऊपर वो डांस अपलोड कर दूंगा। और प्लीज उसको रीशेयर करना, सबको रीशेयर कर देना। और ब्रोस अगर मैं स्किबडी टॉयलेट की ये वाली वीडियो देखूँ ना तो भैंस की मेरे को पता लग रहा है कि स्किबडी टॉयलेट अचानक से क्लब के अंदर पहुंच चुके और ऑब्वियसली गाइस क्लब के अंदर बहुत सारे बंदे होते हैं और इनको वहां पर भी जाकर लोगों को काटना है ताकि इनकी आर्मी और सुपीरियर बन जाए। और ये देख रहे हो एक ही मूव कर रहे हैं, एक ही मूव, वो कौन सा घूमर वाला मूव कर रहे हैं जो कि हमने हीरो पॉइंट एसएमबी के अंदर करते थे टाइम पास के लिए। उसका मतलब ये है कि मे बी शायद ये लोग भी यहां पर टाइम पास कर रहे होंगे। बट एनीवेज क्लब के अंदर पहुंच के हमारे डीजे कौन है भाई? हमारा डीजे स्किबडी भाई, तेरे तो हाथ भी नहीं है, तू कैसे मिक्सिंग कर रहा है भाई? लगता है जबान से मिक्सिंग कर रहा है। बट एनीवेज ब्रोस लड़का बहुत तेज है। ओके ब्रोस अभी आता है अपना एपिसोड नंबर 7 एंड हैंग ऑन अ सेकंड। यो ये टॉयलेट नहीं है, ये देख रहे हो गाइस अगर मैं इस बंदे की शैडो देखूं तो ये बंदा भी मेरे को नहीं लग रहा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत मैं स्किप करके देखूं ना तो मेरे को लग रहा है कि डेफिनेटली कोई ना कोई इंसानी बॉडी है। लेकिन ये स्प्रे कैन लग रहा है मेरे को, तो वो होते हैं ना फिश वाले कैन, तो आई बिलीव वो हो सकता है। और बिल्कुल अपने सामने बना हुआ एक और स्किबडी टॉयलेट। अरे एक और आ चुका है भाई, पूरा गैंग। ओह माय गॉड, मेरे बड़े वाला कितना गंदा लग रहा है और कितना स्केरी लग रहा है यार ये देख रहे हो, कितने गंदे गंदे फेस बना रहा है। और भाई दांत ब्रश कर ले, किसी महान बंदे ने हगा होगा इसको तभी इतना बेकार मुंह लेके आया दुनिया के अंदर ये। यहाँ पर मेरे को एक बात समझ में आ चुकी है, हमें इस बंदे की वीकनेस पता लग चुकी है। तो जैसे आपने शुरुआत में देखा ना कि ये बंदा आता है और इसको फ्लश कर देता है और जैसे ही फ्लश होता है ये टॉयलेट का काम एकदम से खत्म। लेकिन ये फ्लश देखते हुए ये बड़ा टॉयलेट सामने आता है जो कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गुस्से में है। लेकिन नहीं वो फिश वाला बंदा नहीं है, भैंस की तो कैमरा मैन निकले, कहीं व्लॉगर तो नहीं है कहीं ये। तो यहाँ पर कैमरा की आर्मी आ चुकी है, तो कैमरा आर्मी वर्सेस स्किबडी आर्मी, भाई साहब क्या महान युद्ध होने वाला यार यहाँ पर, तो मेरे को पता नहीं कौन जीतेगा। ओ भाई तो ये बंदा छत से रिकॉर्डिंग कर रहा था इनकी और पीछे से स्किबडी टॉयलेट ने आके इसको भी काट लिया। एंड अभी आता है एपिसोड नंबर 9। भाई साहब क्या फैल रहे हैं, तो उसको भी फ्लश करके इसको खत्म कर दिया और इसको देखते ही ये बंदा भागने लगा और लिया ये भी गया। और अभी ब्रोस कैमरा वाले अपना जो है पुलिस टॉयलेट, ये कैसे हो सकता है भाई? ये पुलिस वाले तो कुछ ज्यादा डेंजरस लग रहे हैं मेरे को। ओके अभी बात समझ में मेरे को आ चुकी है, तो कैमरा वाला टॉयलेट जो है वो स्किबडी को मार के अपनी छाप हर एक जगह छोड़ रहा है और सबको बता रहा है कि भाई अगर युद्ध हुआ तो हम भी किसी से कम नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम गाइस एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो चुका है और वो है अपना कैमरामैन। एक तो कैमरामैन हो गया, दूसरा
पुलिस की बड़ी टॉयलेट, लेकिन एक नहीं कुछ ज्यादा कैरेक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा कैमरामैन, उसके बाद आता है हमारा वो बड़ा मॉन्स्टर टॉयलेट द लॉर्ड टॉयलेट, उसके बाद आता है हमारा पुलिस की बड़ी टॉयलेट। ये तो कुछ ज्यादा गंभीर समस्या में फंस रहे हैं हम लोग। तो अब जाता है गाइस एपिसोड नंबर 10। ओ माय गॉड, एंजल है क्या ये? भाई साहब, ओ भाई क्या फ्लश किया एंड मौके पर, नाइस यार। ये वाली जगह बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही, मतलब कि टॉयलेट ने अपना एक रिलीजन टाइप चीज बना के रखी है और सारे भैंस की ये क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बकवास नहीं कर रहा, बिल्कुल मेरे सामने। और ये देखो यहाँ से निकलता है, इसको हम लिटरली होली शिट बोल सकते हैं। या होली शिट का नाम आपने सुना होगा, वो ये चीज है भाई खतरनाक है। लेकिन कुछ ही देर के अंदर जो है अपने कैमरामैन भी आ चुके हैं और ये होली शिट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस दरमियान ये बंदे एक बंदे को खा लेता है। भाई बहुत ज्यादा स्केरी है यार। ओके अभी आगे चलते हैं और इस सीजन का लास्ट एपिसोड देखते हैं। ओके लेट्स गो। भाई साहब कैमरामैन की यार ने क्या फैल दिया शहर के अंदर। और भाई ये कौन है? Oh my God! Whoa! Demon toilet? What? तो ब्रो आप यहाँ पर देख सकते हो कि लेफ्ट साइड है कैमरामैन की आर्मी और राइट साइड है टॉयलेट की आर्मी। और भाई उनका साइज देख है, ये देखो ये बड़े बड़े टॉयलेट। और खाली यही नहीं, इनके पीछे जितने भी आर्मी आ रही है ना, मतलब जितने भी टॉयलेट है स्किबिटी वाले, उन सबका साइज इतना है। तो बेसिकली ये है हमारा कैमरामैन पिद्दी सा और ये स्किबिटी टॉयलेट। और यही नहीं, इससे बड़े वाले भी है। ब्रो मेरे को समझ में आ रहा है कि इस खतरनाक वॉर के अंदर कौन जीतेगा। पूरा वॉर शुरू होने वाला यहाँ पर। तो स्किबिटी टॉयलेट के पास जो कि खतरनाक वाला मॉन्स्टर है, उसके पास बहुत सारे वेपन्स है, वो फायरिंग कर सकता है, लाइक बुलेट्स वगैरह मार सकता है, और उसका साइज इतना बड़ा कि कैमरामैन को क्रश कर सकता है। और कैमरामैन के पास सिर्फ एक ही वेपन है, वो टॉयलेट को फ्लश करके मार सकता है। मतलब कि एक ही वेपन मुंह तोड़ जवाब देगा इनको। तो गाइस इस वाली वीडियो के अंदर इतना काफी है, हम अगले सीजन के ऊपर रिएक्ट करके बताएंगे कि आखिरकार माजरा जाता कहां पर है। तो बेसिकली हम इसको फॉलो कर रहे हैं सीजन बाय सीजन ताकि हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाए। तो अगर आपको वो वाला पार्ट जल्द से जल्द देखना तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन, और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड की बड़ी बब बब बू।